आखिर बारिश होगी बहुत ज़्यादा। आज हमारा रुद्राभिषेक है और यहाँ इतनी बारिश हो रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब लोग ठीक हैं। देखो आज हमारे घर में है रुद्राभिषेक, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई। बताना कैसा लगा मेरा आउटफिट। साड़ी पहनी है, ग्रीन साड़ी, क्योंकि सावन का महीना है। तो हम जा रहे हैं रेडी होके रुद्राभिषेक में। मैं जा रही हूँ नीचे, अब थोड़ी देर में पंडित जी आ जाएंगे। अभी तो पंडित जी आए नहीं है क्योंकि मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। यहाँ 5:30 बजे से कंटिन्यू बारिश ही हो रही थी। अभी भी है, अब बस थोड़ी सी है। तो आप बताना साड़ी कैसी लगी। ऑलरेडी मैं पहन चुकी हूँ ये 2-3 बार। ड्राई फ्रूट्स अभी डालेंगे, खीर रेडी हो गई है। तदुपरांते हस्ते मौलिवंधनम् चंद्रकुंडली मध्यांतरगतेन अरिष्टग्रह सुफल प्राप्तर्थं निमित्तार्थेन सर्वत्र यश कीर्ति ख्याति लाभ आदि प्राप्तर्थं चिरंजीव पुत्र पुत्री विद्या क्षेत्रे यश कीर्ति ख्याति लाभ आदि प्राप्तर्थं लक्ष्मी प्राप्तर्थं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं ततच ईश्वर विषयः हरिजु साम छंदांसी क्रिया में वो तो फूल दीजिए। सर्वे क्रियाणि वाग मनः चक्षु श्रोत्र गाढ़ जिह्वा पाणि पायुष्पर्श नमः। ओम भू पुरुषम शाम सदाशिव आवाहयामि। ओम भुवा पुरुष हाथ जोड़िए और भगवान भोलेनाथ का आह्वान समर्पयामि। हस्ते वर्घं मुखे याचमनीयं सर्वांगे जनानीयं जलं समर्पयामि। हरिं मां कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनम्। नहीं छना हुआ, वो एक दूर्वा का टुकड़ा गिर गया। क्लिक करो, ये थोड़ा पंखा बंद करना। सब लोग नमः शिवाय अपने मन मन में बोलते रहे। हरि ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपति गुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं भवामहे। एक बार फुल करिए, फिर जब खाली हो तब फिर डालिए। एक बार फुल कर दीजिए। हरि ओम हरि ओम ओम गायत्री तुष्टुजगदनुष्टुपङ्क्त्याशः बृहत्तुष्णीयः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्वत्याय च वाज्याय च नमः पुत्रणाय च उत्तराय च तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः सख्याय च फेक्याय च नमः सिकतिया च नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव गंगा धराए शिव गंगा धराए
हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव। आपका जो वाहन है वह जो है बैल है, और आपके पुत्र का जो वाहन है गणेश जी का वह चूहा है। इस प्रकार है जो काल का भी हरण कर लेते हैं, जो हमारे अशुभों को भी शुभ कर देते हैं। अमंगल हीनम सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे भगवती मौ आराध्य। ये है, ये इसमें दक्षिणा रखी है भैया दोनों में। यह प्रतीत होता है कि हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रखा है माँ भगवती पार्वती जी का, वैसे ही हमारा भी सौभाग्य और हमारे परिवार परिकर में नेम प्रेम बना रहे। हाँ huh?